नमस्कार प्रबुद्ध दर्शकों, एएसआर टाइम के बातचीत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। समय समय पर हम शहर में पधारने वाली विभिन्न किस्म की शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं और ये मुलाकात कहीं और कहीं आपको कई तरह के पैगाम देकर जाती है, मगर आज जो पैगाम देगी मुलाकात वो है इंसानियत का पैगाम। इंसानियत यानी इंसान को इंसान की पहचान दिलवाने वाली यदि कोई विधा है जो पशुओं के पास नहीं है तो वो है मुस्कुराहट, वो है खिलखिलाना, वो है हंसना। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा, आपने कभी किसी भैंस को मुस्कुराते हुए नहीं देखा होगा। हंसने का वरदान यदि परमात्मा ने किसी को दिया है तो वो केवल मनुष्य को दिया है। जो हंसता है ईश्वर उसके करीब होता है, लेकिन जो हंसाता है ईश्वर उसके करीब खुद चले आता है। तो हम उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो हंसने हंसाने का पर्याय है, चरित्र अभिनेता है। उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ, वहां से सिलसिला हुआ नाटक के मंचों से, मंचों से होते हुए धारावाहिकों में, धारावाहिकों से फीचर फिल्मों में, और भविष्य में वे कहां तक पहुंचेंगे ये बताएंगे श्री हेमंत पांडे जी। हेमंत पांडे जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, हार्दिक अभिनंदन है, मुस्कुराहट के साथ, खिलखिलाहट के साथ। पांडे जी, बातचीत का सिलसिला मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि ये हंसाने वाली जो विधा है ये बड़ी जटिल विधा है। जी हाँ, इस समय यदि सबसे ज्यादा कमी किसी बात की है मनुष्य के पास तो वो सचमुच हंसी, ओरिजिनल हंसी उसके पास से लुप्त तो होती चली जा रही। आपने इस विधा को क्यों चुना? चुना तो नहीं कह सकता, स्वभाव ही मेरा बचपन से ऐसा था, बड़ा मस्त मौला रहने का स्वभाव था। और एक्टिंग वैक्टिंग में भी लोग बोलते थे इसको सीरियस डायलॉग दो तो हंस जाता। जी 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 जी, तो बोले यार ये हंसी वाला ये इससे करवाओ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ पंडित जी कि आपको मौत का सीन दिया और लोगों उसमें भी हुआ? हाँ, पांचवी क्लास में, ये पांचवी क्लास में मैं था तो सपेरे का कोई नाटक था, उसका डेथ हो जाती है मेरी, तो वो मैं उसमें भी हलचल, मुझे लगा कैसे बताऊं कि मैं एक्टिंग कर, मैं हूँ। तो वो कैसे यात्रा शुरू हुई पंडित जी? मैं तो सर पहाड़ का रहने वाला हूँ, पिथौरागढ़ का, उत्तराखंड में, लास्ट बॉर्डर इंडिया का। मतलब आप या मध्य प्रदेश के लोगों को पता भी नहीं होगा कि इतना दूर दिल्ली है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी मेरा घर लास्ट बॉर्डर, और मेरे घर से भी 6 दिन का पैदल रास्ता और है जहां भारत के नागरिक रहते हैं। अच्छा, तो वहां तक की यात्रा पैदल यात्रा करके आया। तो छोटे शहर का मैं रहने वाला, वही नाटक, मध्यम वर्गीय परिवार, पिता ही पोस्ट ऑफिस में थे, वो रिटायर हो गए। पुराने समय का जो ये था कि बड़ा परिवार, 4-5 भाई बहन हम लोग, उस तरह के परिवेश में जन्म हुआ, पला बड़ा। फिर दिल्ली आ गया, 6 साल मैंने वहाँ नाटकों में काम किया। जी जी। फिर वहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में मैंने काम किया। मैं वहाँ का पास आउट नहीं हूँ, लेकिन कुछ काम किया है, बाहर के लोगों को भी वो अंदर ले लेते हैं, उसमें तनख्वाह मिलती है। अच्छा, सॉरी, नाटक करने की। तो वो मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव था कि पैसे मिलने लगे नाटक के, एक्टिंग के। तो वहां से शुरुआत हुई, उसके बाद फिर 14 साल करीब हो गए दिल्ली में, बंबई में। जी जी। दिल्ली के बाद दिल्ली से मैंने एक फिल्म की थी, बैंडिट क्वीन। अच्छा अच्छा, बैंडिट क्वीन, छोटा सा रोल था मेरा, दशमलव जैसा, उसमें मैं ही पहचानता हूँ उसमें। अच्छा जी, तो वहां रह के जब देखा कि बड़े बड़े एक्टर जिन्होंने उसमें काम किया था वो बंबई चले गए, तो हम भी शाम को अपना थोड़ा सा चौड़े होकर घूमते थे मंडिया, तो लोग दादा दादा बोलने लग गए थे। अच्छा, उस बैंडिट क्वीन के कारण। हाँ, तो मुझे लगा यार ज्यादा इज्जत मिलने लग गई है, चल दो यहाँ से। जी जी जी। फिर हिम्मत करके बम्बई चला गया, और जो वक्त के थपेड़े, जो हर एक इंसान जो कामयाब इंसान होता है तो उसके पीछे असफलता का जो जी चलता है जिससे वो सीख सीख करके आगे बढ़ता, वो दौर हुए, परेशानी के दौर आए, उतार चढ़ाव आए, तो धीरे धीरे फिर सीरियलों में काम मिलने लगा वहां। अच्छा, पहला सीरियल कौन सा था हेमंत भाई? हम बंबई। अच्छा, फिल्म से शुरुआत हुई, बैंडिट क्वीन से शुरुआत हुई। वो थी कुछ छुटमुट, वहां पे भी मैंने काम किया था दूर, क्योंकि जिस वक्त मैंने मेरे भीतर पैदा हुआ था ये सपना या एक्टिंग का कीड़ा कीड़ा लगा, तो दूरदर्शन था। हाँ, केवल दूरदर्शन। हाँ, तो मेरा मन करता है यार कि शहर में अपना कुछ ऐसी इज्जत हो कि लोग जाने। अब पढ़ाई लिखाई में ढो थे तो लगा और क्या तरीका है, तो वही अपना एक्टिंग। अच्छा, बाय द वे कहाँ तक पढ़े आप हेमंत भाई? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं किया। अच्छा अच्छा, वो लास्ट का एग्जाम छोड़ ही दिया था। जी जी जी। तो पढ़ाई वढ़ाई का मन लगी, मतलब एक ही क्लास में कई साल रहने का मन करता था। जी जी। अच्छा, वहां भी हास्य को ही जन्म दे रहे थे आप। तो वो शुरुआत हुई, अपना सपना था कि दूरदर्शन में एक बार शक्ल दिख जाए, गुरु मजा आ जाए। तो वो सपना लेकर चले थे। जी जी।
और दूरदर्शन में फिरदौस एक सीरियल बड़ा पॉपुलर हुआ था उस वक्त कश्मीर प्रॉब्लम पे, वो हुआ। तो पांडे जी पहला सीरियल ही आपका हम बंबई नहीं जाएंगे मैं हाँ बंबई जाकर संपन्न हाँ हुआ, ये दो विरोधी भाषाएं शीर्षक ये विरोधाभासी मेरी शीर्षक ने ट्रेजेडी है। हास्य जी हास्य हाँ पैदा हुआ, जी तो हाँ ऐसा लगता है कि परमात्मा ने आपको हास्य के लिए बनाया। अब ठीक है, मैं तो इसको हिस्सा ही मानता हूँ, जीवन का वाकई हिस्सा मानता हूँ, जी क्योंकि मेरा जी स्वभाव परमात्मा ने ऐसा दिया है कि मैं दुख। मस्ती में रहते हाँ हैं, मस्ती में बिल्कुल रहते जी हैं। हाँ अच्छा पांडे जी, थोड़ा संजीदगी से भरा प्रश्न करना जी चाहूंगा मैं हाँ कि इस समय ऐसा क्या हो गया है कि लोगों के जेहन से सचमुच प्रसन्नता गायब हो गई जी है, हाँ जी हाँ इसका कारण आप क्या मानते हैं? इसका कारण जो मुझे लगता है वो है भौतिकवाद। जी हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, उसके अलावा वो परिवार से भी दूर रहना चाहता है, संबंधों से दूर रहना चाहता है। ऐसे ऐसे लोग हमको मिलते हैं जो लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख रुपए महीने की सैलरी में है, जी ऐसे जी सेक्टर में है, आईटी वाईटी है, तमाम चक्करों में सुबह जाते हैं रात को घर आते हैं तो पता लगा ऐसे में बीवी भाग गई, जी जी क्योंकि जी टाइम ही जी नहीं है दूसरे के लिए। उसको दूसरा लगता है ये पति तो नाम का ही है, इससे अच्छा तो मैं मोहन से ना शादी कर जी लूं। जी 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 है ना, क्योंकि और ये संबंध, ये असर जो है पारिवारिक माता पिता के संबंध जी उसमें भी जी काम करता है, भाई बहन बेटा पति पत्नी मतलब बच्चे। सारे बंधन दरक रहे हैं, हाँ जो सारे पहले एक संयोजन परिवार दरक रहे साथ हैं। में रहा करता था उसमें हंसी मजाक, ताऊ चाचा मौसी ताई काकी जो जी जी बैकग्राउंड छेड़ाछाड़ी हमारा होती थी, होता था मस्ती होती थी। उसमें एक व्यंग था, एक एक हल्की सुरसुरी जाते जाते भी कोई छोड़ के चला गया है, जी वो माहौल ही नहीं है। तो व्यंग चला गया है, हास्य चला गया है, मतलब जीवन से चला गया। जी जी तो जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी कह सकते हैं, त्रासदी, की लोगों ने इस चीज का महत्व तो समझा ही नहीं है, जो कि समय आने पर धीरे धीरे आ रहा है लोगों को। शायद यही कारण है कि अब लोग हास्य के धारावाहिकों को, हास्य की हाँ फिल्मों को, जी हास्य हाँ के कवि सम्मेलनों जी को हाँ ज्यादा सुनना देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसकी उनके पास कमी होती चली जा रही बिल्कुल है, बिल्कुल शायद ये कारण बिल्कुल आप बिल्कुल इसका मानेंगे। बिल्कुल अच्छा पांडे जी, ये बताइए कि इस समय जो हास्य है उसका स्वरूप खासतौर पर स्क्रीन पर जो परोसा जाता है, हाँ आप महसूस करते हैं कि कभी कभी वो मर्यादा से परे हो जाता है या बिल्कुल फूहड़ हो जाता है, बिल्कुल अश्लील हो जाता है, ऐसा आप बिल्कुल महसूस बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल ऐसा महसूस करते नहीं है, नहीं करते जी ही हैं। जी जी लेकिन इसके बारे में मैं ये मेरा उत्तर तो अगर बोलना हाँ करते हैं, यही जी एक उत्तर हो गया जी ठीक। जी जी लेकिन क्या है, अगर हमको वो सीरियल नहीं देखना तो ये हमारा अधिकार है। जी जैसे हम किस नेता को जिताना है वो हमारा अधिकार है, तो वैसे ही किस सीरियल को नहीं देखना ये हमारा अधिकार है। जी तो आप चैनल बंद कर दो, उस चैनल को खत्म करो। तो इसका मायने ये मान्य पंडित जी क्या कि देखने वाले ही उसके लिए हाँ जिम्मेदार हैं? बिल्कुल। अब क्या होता है ना, आम आदमी की मतलब है कई बार वो परिवार के साथ बैठा रहता है, एक ही जी व्यक्ति, सेम जी व्यक्ति, परिवार, बीवी बच्चे, भाई बहन दीदी सब हैं, पत्नी, और उसको लगता है ये मजेदार नहीं है। जैसे परिवार से अलग हुए, अकेला आदमी है तो उसको लगता है इसमें उतना चटोरापन नहीं है, थोड़ा और होना चाहिए था। ये जी आदमी की परिभाषा है, सेम आदमी, जी जी क्योंकि वो परिवार में होता है। तो मैं तो आपको बताऊं, जब गांव में था उत्तराखंड में अपने, तो कुछ परिवार नियोजन का विज्ञापन भी आ गया ना, तो तो घर के एक आध बाहर लोग जाते बोलते थे देखता हूं जरा कुकर में सीटी आई क्या यार, हाँ उसको कुछ हाँ कट वो लेते थे। जी जी मतलब वो एक ज्ञान देने वाला विज्ञापन है, बट उससे भी कटते थे। और अब आजकल तो ऐसा हो गया पंडित जी कि इन इस तरह की चीजों ने बच्चों को इतना स्मार्ट हाँ कर दिया है कि वो आते हैं इस तरह का कोई विज्ञापन और घर वाले बाहर चले जाते हैं तो बच्चा खुद कहता है कि अब आ जाओ डैडी हाँ गया विज्ञापन। खैर आपसे मैं बात चूंकि हंसने हंसाने की कर रहा हूँ, पंडित जी ये बताइए कि इस अश्लीलता को दूर कैसे किया जा सकता है? इसका एक ही तरीका है कि आप टीवी देखना बंद कर दो। मेरे घर में 4 साल से टेलीविजन नहीं चला, जी क्योंकि सास बहू या इस तरह का सीरियल में देखना ही नहीं चाहता, मतलब उसका कोई मतलब नहीं, मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं है। जी जी अब किसी के 4 हस्बैंड हैं, 4 पत्नियां हैं, वैसे सीरियल आपके तो है नहीं, है जी आपके जी 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 हैं, जी नहीं ऐसे कोई मेरे भी सीरियल नहीं है, जी जी तो मेरे और आपके जैसे लोग ज्यादा हैं, जी और हमारी वजह से देश चल रहा है। जी अगर हम सब खराब हो जाएंगे तो देश वाकई एक अलग तरह का खराब हो हो जाएगा। जाएगा। जी तो हमारा अधिकार है कि हमको नहीं देखना तो मैं नहीं देखना। जी अब लेकिन हम ही में से हम ही बोलते हैं कि नहीं देखना, और पता लगा खुद ही देखने बैठ सब जाते हैं। गए क्या, ऐसा चालू चैनल लगा लो जिसमें कि ओहो सीन ज्ञान देखें। ज्ञान ज्ञान ले रहे टाइम जी पास। जी जी तो ये हमने ही दूर करना चाहिए, इसको जी हमारे हाथ में है।
तो अच्छाई की स्क्रीन पर टीआरपी बढ़े इसके लिए क्या स्वस्थ सीरियल्स का निर्माण करने के लिए, चूंकि आप मुंबई रहते हैं, सीरियल धारावाहिकों से जुड़े हुए हैं, जी फिल्मों हाँ। से जुड़े हुए हैं, वो वहां के निर्माता निदेशक इस तरफ कोई पहल करने की सोचते हैं कि उनका ध्यान ये भौतिकता? भौतिकता उनको लगता है ऐसा सीरियल बनाऊं तो देखेगा कौन, इससे अच्छा ये देखता हूँ, ये इसकी टीआरपी रहेगी, इस पे पैसा आएगा। तो पैसा कमाने के माध्यम से अगर आप मनोरंजन को लेंगे तो ये अलग दो अलग अलग चीजें हो जाएंगे। एक तो होता है दिल से कि भाई हमें पैसा वैसा छोड़ो, लाभ हानि तो छोड़ो, इसमें अच्छा हमने हाथ से देना है या एक अच्छा ऐसा विषय तैयार करना है, टीवी के हो, फिल्मों का हो या नाटकों का हो। लेकिन जहां पैसा आड़े आ जाता है तो फिर वो तो बिजनेसमैन है, उसने चाहे वो वो फिर कुछ भी कोई हो रहा हो। एजेंसी नहीं ली तो टीवी सीरियल बना दिया, जी, उसका अलग मानना है। लेकिन ऐसे लोग होते हैं, आज भी होते हैं, जो जो समाज जो को अच्छा सोचते हो, अच्छा हाँ जैसे आपका एक ऑफिस ऑफिस धारावाहिक था, मेरे ख्याल से वो उसे आप बेहतर धारावाहिकों की श्रेणी में जी हाँ लेंगे, क्योंकि बिल्कुल उसमें कोई फुहड़ता हाँ या अशालीनता नहीं थी, इसलिए नहीं कि आप उसने उसमें काम जी किया, हाँ बिल्कुल इसलिए बिल्कुल कि वो सचमुच में वाकई ऐसा महसूस किया दर्शकों ने कि वो अच्छा था। अच्छा पांडे जी, ये बताइए कि आपने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया और आने वाली कौन कौन सी ऐसी फिल्में जिसमें आपको हम अच्छे हास्य के किरदार के रूप में देखिए, देख अब सकते एक हैं? चीज तो मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर मैंने जाने अनजाने गाहे बगाहे कोई गलत या खराब कॉमेडी की हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन जी मुझे लगता नहीं कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि मेरी नजर में कोई गलत अपराध करो या गलत कॉमेडी सीरियल पे या फिल्म में काम करो वो बराबर ही है। जी 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 तो मैं कोशिश करता हूं कि कम काम करूं लेकिन अच्छा करूं, और मेरी वजह से समाज को कोई कुछ मैसेज कुछ तो मिले, कोई अच्छा हो जाए, हास्य कुछ तो मिले। कर जी पाऊं मैं। जी मतलब अब जरूरत आज देश की रक्षा करने की नहीं है कि बॉर्डर पर जाके गोली चलाएं, उसके जी लिए सैनिक हमारे काफी है, लेकिन दूसरे तरीके से भी तो हम देश की सेवा कर सकते जी हैं। जी तो तो ये एक सार्थक कदम मैं अपना समझ सकता हूँ, ये एक ऐसी सोच मैं रख पा रहा हूँ। और जहां तक फिल्मों का है सवाल, मैं आपको बताऊं लगभग 40 एक सीरियल मैंने किए हैं, जिसमें 8-9 सालों से लगातार ये चल रहा है ऑफिस ऑफिस। जी और एक LOC सीरियल भी आया करता था, आजकल तो आता नहीं शायद, वो भी मेरे को अच्छा लगता था। और 20-22 करीब फिल्में मैं कर चुका हूँ, जिनमें सबसे ज्यादा ठीक ठाक जो चली जी जी उनमें क्रिश जी तो अपार थी। क्रिश के अलावा मुझे कुछ कहना है जी तुषार का उसमें पहली फिल्म थी, फिर बधाई हो बधाई एक फिल्म थी, फिर जी ऋतिक के साथ एक आप मुझे अच्छे लगने लगे, जी और इस तरह की फिल्में थी जो बढ़िया ठीक ठाक चली। जी और आने वाली जो मेरी फिल्में 8-8 7-8 फिल्में हैं, जिसमें एक है मिलेंगे मिलेंगे, वो करीना और शाहिद के साथ है, अच्छा एक अच्छा नाना जी पाटेकर के साथ है हॉर्न ओके प्लीज, जी जो तुरंत उसका विज्ञापन भी शायद चल रहा है, जी और डोंट वरी बी हैप्पी ये कॉमेडी जी सीरियल अच्छा, है इसमें फिल्म पूरे पंडित जी हास्य, आप लगभग लगभग सभी में अभी जी हास्य हाँ, अभिनेता के बतौर है। ज्यादातर फिल्में जो अभी मैं कर रहा हूँ उनमें मेरे ही तबके के या मेरे ही जैसे या मेरी जैसी पृष्ठभूमि के कलाकार हैं, जिनमें राजपाल यादव, विजय राज, मैं, संजय मिश्रा, जी विनय जी पाठक, इस तरह के इस किरदार तरह के जो किरदार रंगमंच से भी हाँ। जुड़े रहे। तो ये ऐसी फिल्में जो 5-7 करोड़ में बन जाती हैं और उनमें हमको अच्छा रोल मिलता है, अच्छा सम्मान मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है। तो 5-7 फिल्में ऐसी हैं जो मैं जी इस जी वक्त जी ऐसी अच्छा कर रहा हूँ पंडित जी, आप रंगमंच से भी जुड़े रहे, जी हाँ। रंगमंच में धारावाहिकों में और फिल्मों में, तीनों को आपने जिया, किसमें आपको सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति हुई? आनंद तो सबसे ज्यादा नाटकों में आता जी, है, क्योंकि स्टेज आप स्टेज परफॉर्मेंस। पर हैं और सामने दर्शक बैठे हैं, आपको लग रहा है इस डायलॉग पर मैं कम हंसाऊं कि ज्यादा हंसाऊं, लगभग इतना निर्णय भी आपके पास होता है उस वक्त। जी जी आपको मालूम हंस रहे हैं तो हंसने दो, थोड़ी देर रुक जाओ जी जी स्टे। हाँ सीरियल में ऐसा नहीं है, फिल्मों में ऐसा नहीं है जी, वो मतलब रंगमंच आप ज्यादा बेहतर और चुनौतीपूर्ण मानते हैं? हाँ मतलब वाकई मजा आता है अगर जो कलाकार उस गांव से होकर गुजरा है जी, तो उसके लिए वो सबसे बेहतर है। अच्छा मैं चाहूंगा पंडित जी कि आपका कोई ऐसा हास्य से भरा अनुभव जो संक्षिप्त तो हो, रंगमंच का, धारावाहिक का और फिल्मों का, हमारे आप हजारों हजार श्रोताओं से शेयर करना चाहें, तो हम चाहेंगे कि नाटकों से शुरू करें, कुछ ऐसा कोई ऐसी घटना हुई हो छोटी सी जो मजा दे जाए, जो लोगों को मुस्कुराहट दे जाए। मुस्कुराहट तो क्या, एक बार मैंने सीरियल एक किया था पहला पहला सूरदास, जी उसमें मुझे अंधे का रोल करना था हाँ और लाइट रिफ्लेक्टर पहली बार फेस की थी मैंने,
तो आंखें वैसे ही बंद हो गई। डायरेक्टर कह रहा बहुत बढ़िया बेटा, गुड गुड गुड। मैंने कहा चलो यार, इतने जो है मेरे को गुड बोल दिया, और मैं आगे कुछ खोल ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल वैसा हो गया था लाइट रिफ्लेक्टर की वजह से। तो वो एक बड़ा अद्भुत अनुभव था कि भाई हमको सूरदास बनाने में आपकी, मुझे लगा कहीं डांट न, हाँ डांट न दे यार, ये कुछ पहली बार न। और सीरियल के डायरेक्टर बहुत बड़ा समझते थे हम, या नाटकों से अचानक आए थे, तो मुझे लगा डांट ना दे। तो उसने कहा गुड, बहुत बढ़िया। मैंने कहा जी, तो इस तरह से जी। और फिल्मों में